नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लें। आज के वीडियो में हम जो 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई। जो फ्रांस से 5 राफेल विमान आए हैं उनको भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई। तो इसका आंसर है अम्बाला एयरबेस। अम्बाला एयरबेस पर भारत में जो फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को लैंडिंग कराई गई। नेक्स्ट, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु सम्मिलित किया गया है, तो वह उपन्यास किसका है। तो इसका आंसर है अवनी दोषी। जो बंट शुगर हैं उनके लेखक अवनी दोषी हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो PCB हैं ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है। तो जो उमर अकमल हैं उनको पहले 3 साल का बैन था जिसे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हटाकर 18 महीने कर दिया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो जो होम्योपैथी या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो इसका आंसर है 2 साल के लिए। जो अनीक इस्लाम है उन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। नेक्स्ट, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कोड लॉन्च किया है तो वह बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है। जो महाराष्ट्र सरकार है कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण उन्होंने लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक के लिए बढ़ा दिए। तो जो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। तो नेक्स्ट, हमारा चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए। चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 और नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो अभी हाल के दिनों में चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 और सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है तो वह है रजत भाटिया। रजत भाटिया ने जो फर्स्ट क्लास एवं IPL है सभी से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब कुछ क्वेश्चन है जी उनके बारे में हम जानेंगे। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को जो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाए गए हैं। जो 28 जुलाई है उसको प्राकृतिक संरक्षण दिवस, और 29 जुलाई बाघ दिवस, और 30 जुलाई को मानव तस्करी खिलाफ दिवस विश्व दिवस मनाया गया है। तो तीनों डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। तो जो अमेरिका है उन्हें अभी ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, COVID-19 का मुकाबला करने के लिए ADB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की अनुदान की मंजूरी दी है।
तो इसका आंसर है $3 million। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय का विकसित किया है? जो पुणे विश्वविद्यालय है उसने, जो मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है उसने आश्रय विकसित किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कि आश्रय किसने विकसित किया है, तो पुणे मेडिकल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके वो भारत में पड़े समिति की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है DPC। तो भारत में रुके और भारत में पड़े समिति की स्थापना DPC द्वारा की गई। नेक्स्ट, पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो पेटीएम मनी है उनके नए CM वरुण श्रीधर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, सीवर मेन होल की सफाई के लिए जो BANDICOOT नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया? सीवर मेन होल की सफाई के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है, तो वह असम या गुवाहाटी में तैनात किया गया है। अगर राज्य पूछे तो असम और स्थान पूछे तो गुवाहाटी में। बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, किस राज्य ने उप उष्ण कटिबंधी फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है? तो जो हरियाणा है वहाँ पर उप उष्ण कटिबंधी फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है? जो भारत एक से हैं उसने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया गया है। जो इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय AXA। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।